नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट क्लर्क की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर अकाउंट क्लर्क की भर्ती निकली हुई है और आप देख रहे हैं हम इस समय हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये भर्ती कहाँ निकली हुई है, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो भी आपकी डिटेल है इस भर्ती से रिगार्डिंग मैं आपके लिए पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है दोस्तों, और ये जो जॉब है ये भी बहुत अच्छी है। आप सभी को पता है कि अकाउंट क्लर्क बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, तो अकाउंट क्लर्क की यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम हैं दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए दिखाने वाला हूं कि किस इस ये जो भर्ती निकली है इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं वैकेंसी ऑब्लिक रिजल्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये हमारे पास में पूरे के पूरे जो इनके एडवर्टाइजमेंट है वो खुल के सामने आ गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जिस भर्ती के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है ये दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/BSA/2020/LL फॉर द पोस्ट ऑफ लेखा लिपिक, ठीक है। तो लेखा लिपिक की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, और सबसे पहले मैं आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, जिससे आपके लिए कम से कम ये विश्वास तो हो जाएगा कि ये जो भर्ती है पूरी की पूरी सही भर्ती है। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपके लिए कभी भी कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलती है, हम केवल वही वीडियोज लेकर आते हैं जिनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास होती है। तो देखिए, मैंने आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर दी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, हिंदी में है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है दोस्तों लेखा लिपिक की। यहाँ पर ये इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है, और ये है दोस्तों पूरी जानकारी जो यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों अधिक जानकारी देने के लिए और अच्छे से जानकारी देने के लिए हम आपको लेके चलेंगे सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देना चाहते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ हैं 6 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी वो 6 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 के बीच में आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है, ठीक है। और आपके दोस्तों ये जो ऑनलाइन CBT की परीक्षा की संभावित अवधि है, मतलब आपकी जो परीक्षा होगी उसकी जो मतलब एक अनुमानित डेट है वो नवंबर 2020 के तृतीय सप्ताह यानी कि थर्ड वीक ऑफ नवंबर 2020 में होनी है, ठीक है। तो ये लेटर आप देख सकते हैं दोस्तों 15 सितंबर के लिए साइन किया गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो डेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एप्लीकेशन बिगिन 6 अक्टूबर 2020 और लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 2020, ठीक है। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट की आपकी 27 अक्टूबर 2020 है, एग्जाम डेट आपके नवम्बर लास्ट वीक या फिर थर्ड वीक, ठीक है। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड नवंबर 2020 में आ जाएंगे, और आपकी इस भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी आपकी बैचलर डिग्री, मतलब आपके लिए BCOM किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने BCOM किया है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए जिसकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। एज लिमिट आपके दोस्तों 21 साल से 40 साल होनी चाहिए। उसके बाद में ये वैकेंसीज की डिटेल्स दी हुई है। जनरल के लिए दोस्तों टोटल 102 वैकेंसी हैं यहाँ पे, और जनरल के लिए जिसमें 45 वैकेंसी, EWS के लिए 10, OBC के लिए 27, SC के लिए 18, ST के लिए 2, टोटल 102 वैकेंसीज हैं, ठीक है।
यहाँ से आप चाहें तो एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट में और ऑफिशियल नोटिस दोनों ही दिखा दिया है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों ये है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन दोस्तों वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों कल की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 3 महीने में मैं भर्ती, मतलब उत्तर प्रदेश में, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने में जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली हैं उनकी सबकी भर्ती की जाएगी और अगले 6 महीने में आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जैसे ही वैकेंसीज आएंगी और मैं आपके लिए उस भर्ती के बारे में डिटेल में बताता रहूंगा, जिससे क्या होगा कि आप समय रहते अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर पाएंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट क्लर्क यानी कि लेखा लिपिक की ये वैकेंसीज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।